माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मैं अमनोर सिंह, प्राइवेट जेके एक्सप्रेस मैन, वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। देखिए, आज हमारी इस महीने की दूसरी मीटिंग है और मीटिंग का ये उद्देश्य है कि जो इस समय जो सबसे बर्निंग डिमांड है हमारी, वन रैंक वन पेंशन, OROP पार्ट टू। जैसा कि विस्तार में हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया कि क्या इसमें एनोमलीज हैं और उसकी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका कसूर है या डोमेस्टिक का कसूर है। ये जो पे कमीशन जो लोग बैठते हैं और जो बनाते हैं, वो सब IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, वही इसमें आते हैं। और जो हमारे आर्मी के जो हैं हायर रैंक के, जो जनरल रैंक के जो ऑफिसर हैं, वो आते हैं। और जबकि इंडियन आर्मी में 97% अदर रैंक जो है वो सर्विस करता है। पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डरों में अगर कोई अगर बैठा हुआ है तो वो सिपाही से लेकर के और ऑर्डनरी कैप्टन तक जो है वो बैठा हुआ है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ना तो किसी ऑफिसर का बच्चा जवान है, ना किसी IAS IFS ऑफिसर का जवान है, और ना ही किसी पॉलिटिशियन का बच्चा। आज तक आप मीडिया में है, आप बता दीजिए कि किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा जो आर्मी में जवान की नौकरी कर रहा हो। तो जब किसी का बच्चा ही नहीं उसमें सर्विस करता है तो इनको क्या पड़ी है? ये कौन सा पे कमीशन है? 5 साल के हर इंसान को एक उम्मीद होती है कि 5 साल के बाद पे कमीशन। अब जो नई पॉलिसी उन्होंने जब ये 7th पे कमीशन बनाया था तो आर्मी वालों के साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी कि 2 साल में नहीं, लेकिन हम 5 साल में ये आपका पे कमीशन जो है रिविजन करेंगे। जुलाई 2019 में ये रिविजन होना था, जबकि ये अब इन्होंने 2223 में इन्होंने जो ये है इसको निकाला है। और उसमें भी इतनी एनोमलीज है, आप 248 पेज का ये इन्होंने जो सर्कुलर निकाला है उसको अगर पूरे को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जवान से लेकर के और ऑर्डनरी कैप्टन तक है, जो कुछ भी नहीं। इन्होंने ऐसे नॉर्मल होता है ना, जैसे रोता है कोई तो उसके आंसू पोंछ दो। और ऑफिसर का आप देख लीजिए, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए का इनको एरियर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है वो तो सारा का सारा 80% तो ये आर्मी ऑफिसर ही ले गए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप हल्के में मत इस चीज को लीजिए। ये ना हो कि रिटायर्ड तो जो है वो है ही है, लेकिन कहीं आर्मी में रेवोल्यूशन ना हो जाए। इससे सबसे बड़ा ये खतरा है, जिस तरीके से ये आप ये इनका एटीट्यूड है, जिस तरीके का इनका आम का ये कैलकुलेशन है, या जिस तरीके से ये हमको ये समझते हैं, तो उसे ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा जो OROP सेकंड टू किया हुआ है इसके ऊपर दोबारा मंथन करें, दोबारा इसको रिकंसाइलेशन करें। इसके साथ मैं आपका मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ।